हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग आस्क रिप्लाई एम। इस चैनल के दौरान हम आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड हैं और जो आपने फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किए हुए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो है अक्षय का। उसने ये क्वेश्चन पूछा है, हेलो सर, अगर बायर एलसी में पेमेंट कर रहा होगा तो सोर्सिंग के लिए फाइनेंस कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। इसने पूछा है कि अगर मेरा पेमेंट टर्म सामने वाली पार्टी के साथ एलसी है और एलसी मेरे पास आ चुकी है तो मुझे उसका फाइनेंस कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने पर्टिकुलर अपनी बैंक के साथ अपनी कुछ प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट से मॉर्गेज करा के लिमिट क्रिएट करवाई हुई है तो ही आपको फाइनेंस मिलता है, और वरना ये बैंक आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी फाइनेंस नहीं मिलता। एमएसएमई के अंतर्गत मैन्युफैक्चरर को और सर्विस प्रोवाइडर्स को फाइनेंस दिया जाता है, और वो भी इसी प्रकार का ही है क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास अपनी मशीनरी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं तो वो मॉर्गेज की गई होती है, और सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी जो ऑफिस के अंदर जो फर्नीचर वगैरह लगाया हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी उसको फाइनेंस मिलता है। लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर को किसी भी प्रकार का कहीं पर भी फाइनेंस नहीं दिया जाता, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा ये गलतफहमी रहती है कि हमारे पास कंफर्म्ड एलसी है तो बैंक हमको फाइनेंस क्यों नहीं देती। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बैंक के लिए वो जो पर्टिकुलर एलसी आपके पास आई हुई है तो वो पर्टिकुलर एलसी जो है वो बैंक के लिए सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैंक इस तरह से सोचती है कि मैंने अगर आपको पैसे का इसका फाइनेंस किया और आपके खाते में पैसे डाले और आपको कहा गया कि इसे इन पैसों से आप माल इस एलसी के लिए खरीदिए और एक्सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी एक्सपोर्टर ने वो पैसे जैसे ही बैंक ने जमा किए और वो पैसे उसने मिसयूज़ कर दिए या फिर वो पर्टिकुलर जो मर्चेंट है वो गुम हो गया, तो बैंक के पास रिकवरी करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। तो ये मेन रीज़न है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का इस यहाँ पे आपको इस एलसी है तो भी फाइनेंस नहीं मिलता। फाइनेंस सिर्फ उसको ही मिलता है अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज किया हुआ है तो आप लोगों ने वो मॉर्गेज के ऊपर लिमिट क्रिएट करवाई हुई है जिसको हम फंड बेस्ड लिमिट बोलते हैं, तो ही आपको फाइनेंस मिलेगा। और एमएसएमई के अंतर्गत मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर को फाइनेंस नहीं मिलता। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा फाइनेंस के बारे में। तो अगर आपको फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है तो एडवाइजेज ये है कि आप या तो सर्विस एक्सपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट चालू कीजिए या आप कंसल्टेंट करिए या एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए। कुछ बातें मैंने एक दूसरा भी इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आप ई कॉमर्स में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, तो यहाँ से चालू कीजिए। लेकिन आपके अगर कंफर्म्ड एलसी भी आई हुई है तो आपको फाइनेंस नहीं मिलता। आई होप कि आपको अभी ये क्लियरिटी हो चुकी होगी और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको सेटिस्फैक्ट्री मिल चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आपके पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक्स वंस अगेन।